बनाना क्या है? देवराज इंद्र की जो आज्ञा उसको क्यों भंग करें? प्रभु एक हमारी प्रार्थना है, हम लोग किस आयुर्वेद की विद्या के मां निपुण है, तो ऐसा करें कि पहले आपका मस्तक जो है तो हम काट करके और घोड़े के चढ़ा दें, घोड़े का मस्तक आपके चढ़ा दें, फिर उस घोड़े के मुंह से आप हमारे को उपदेश करना और देवराज इंद्र आ जाएगा तो इस वजह से घोड़े के मस्तक को तोड़ डालेगा, काट डालेगा। तो काट डालेगा तो हम ये करेंगे कि फिर जो आपका मस्तक वापिस आपके लगा देंगे और घोड़े का मस्तक घोड़े का। आपका हुक्म तो हुक्म हो तो ऐसा करें, हम तो आपसे ही उपदेश सुनना चाहते हैं और दूसरे से नहीं। उनकी श्रद्धा दे करके, प्रेम दे करके उन्होंने समझो कि आदर दे दिया। तो अश्विनी कुमार ने एक घोड़े को लाकर उसका मस्तक काटा और फिर गुरु के मस्तक को काट करके वहां घोड़े का मस्तक लगा दिया और गुरु का जो मस्तक है वो घोड़े के लगा। देवराज इंद्र को मालूम हुआ कि गधे के ऋषि अश्विनी कुमारों को उपदेश दे रहे हैं, हमारी आज्ञा का उन्होंने उल्लंघन कर दिया है, कानून में आ गए हैं। तो देवराज इंद्र आए और वज्र उठा करके और समझो कि उनका मस्तक जो तो काट डाला, अलग कर। अश्विनी कुमार वहां मौजूद थे ही, उन्होंने गुरु का जो मस्तक है वो तो गुरु के लगा दिया, घोड़े का मस्तक घोड़े के, और दोनों के दोनों ऐसे जीवित है। मनुष्य को एक बार फांसी दी जा सकती है, दो बार नहीं। एक बार मस्तक काट डाला, अब इंद्र का कोई उपाय नहीं है, कानून के बाहर इंद्र नहीं कर सकते। तो इंद्र ने ये कहा अश्विनी कुमार से कि तुमने गुरु की हत्या की, गुरु का मस्तक काट डाला, तो समझो कि इस पाप के कारण से मैं तुम लोगों को श्राप देता हूँ कि जग के विषय में जो भाग दिया जाता है ना वो कोई भी तुम्हारे को नहीं देगा, और जो देगा उसका मस्तक काट डालूंगा। ठीक, संसार में अश्विनी कुमारों को भाग देना बंद हो गया। चौने जो ऋषि थे तो बड़े तपस्वी थे, उनकी स्त्री का नाम सुकन्या था, सरियाती राजा की लड़की थी। वो कथा प्रकार से आती है, संक्षेप से आपको बता दूं कि चौन ऋषि एक प्रकार से बड़े तपस्वी, तपस्या के मां निपुण थे। एक समय के महाराजा सरियात उस मार्ग से निकले और वहां एक प्रकार से मुकाम किया, और चौन ऋषि तपस्या के मां इतने एकदम लगे हुए थे, उनके ऊपर धूल चढ़ गई, मट्टी चढ़ गई और उस मट्टी में घास पैदा हो गई, गुलम आदि प्रकार से बहुत बड़े नहीं, छोटे छोटे घास, और ऋषि सब मट्टी में बुड़ गए, केवल उनकी दो आंखें हैं तो दिखती है और कुछ नहीं। ऐसी घोर तपस्या जो आज के जमाने में कोई कर ही नहीं सकता। सरियाती राजा की जो कन्या जिसका नाम सुकन्या था, वो सहेलियों के सही से उसे आश्रम के चारों तरफ घूमने लगी। एक बोझे में, एक संजो की गुलू के संगठन बोझों में क्या देखती है कि दो चीज चमक रही है। उसने समझाने की क्या चीज है, तो एक फूल लेकर के उन्हें दोनों आंखों में चहो दी, जिससे चमन ऋषि अंधे हो गए और उन नेत्रों से खून की धारा बहने लगी। ये देख करके वो घबराई और दौड़ करके अपने पिता के शिविर के बीच में तंबू में वहां आ गई। उस पाप के प्रभाव से क्या हुआ कि राजा की जितनी सेना थी सबके तत्ती और पेशाब बंद हो गए, न किसी का पेशाब लगता है न किसी का तत्ती लगता है। राजा बड़ा घबराया कि क्या बात हुई, अच्छे ब्राह्मणों से ऋषियों से पूछा, महाराज ये क्या बात हुई, ऐसा कौन सा अपराध हो गया कि तत्ती पेशाब सबके बंद हो। सबसे पूछा क्या बात, अच्छे से विद्वानों ने कहा कि ये चौन ऋषि का आश्रम है,
या कौन ऋषि तपस्या करते हैं, क्या कोई उनका अपराध हो गया होगा? तो उसे पूछा, यदि सच्ची सच्ची बात बता दो किसी से अपराध हुआ नहीं तो सब मरेंगे। तब कन्या ने पिता से सच्ची बात कही कि पिताजी गलती से मेरे द्वारा ऐसा अपराध हो गया, ये तो मुझको मालूम नहीं कि क्या अपराध हो गया, कि दो एक चमकीली चीज थी तो मैंने उसके मसूर चबोदे उससे खून निकलने लगा, अब मैंने पता नहीं कि क्या। तो वो राजा वहां गए, देखा कि एक प्रकार से बोझों के भीतर के बीच के माँ और आंखों में से खून निकलता है, और ये मालूम हो गया कि ये चमन ऋषि है और चमन ऋषि का आश्रम का बहुत से वर्ष हो गए तपस्या करते करते उस पर माटी फिर गई, केवल आंखें ऐसे दिख रही है, ये चमन ऋषि के नेत्र नष्ट कर दिए गए, बड़ा भारी अपराध। तो राजा उनकी शरण जाकर के उनकी स्तुति करने लगा कि महाराज मेरी बालक जो कन्या उसके द्वारा आपका अपराध हो गया है। फिर वो जमीन खोद करके ऋषि को बाहर में निकाला, महाराज एक प्रकार से अपराध को क्षमा करिए, सबके तत्ती पैसा बंद हो गए, सब मर जाएंगे, तो इनके इनके जीवन की आप रक्षा करिए। उन्होंने कहा कि राजन बात यह है, मेरी लड़की ने यह बड़ा घोर अपराध किया है, उसी का नतीजा ये हुआ, इसलिए ये जो मेरा शरीर है इसकी सेवा के लिए इस लड़की को इसके साथ ब्याह कर, वो एक प्रकार से अपराध गया, वो ही अपना इसकी सेवा। राजा ने सोचा कि ठीक, उसी वक्त एक प्रकार से अपनी लड़की का विवाह कर दिया, जब ऐसा उस किसी के साथ से मुक्त, वो कन्या अपने पति को परमेश्वर के समान समझ करके फिर उनकी धर्म पत्नी बनकर के वो सेवा करने लगी। एक समय में अश्विनी कुमार से भेंट हुई, तो एक प्रकार से उन्होंने प्रार्थना की कन्या ने कि ये मेरे पति को किसी पर आप आराम कर दो, आप वैद्य हो, और उन्होंने भी कहा कि ठीक है। तो उन्होंने एक तालाब की रचना करके कि औषधि का तालाब बनाया, उसमें उनको स्नान कराया, और स्नान करने से भी रोग तो मिट ही गया, उनका स्वरूप भी एक अश्विनी कुमार के समान हो गया, जवान हो गया, और जो अंधे थे वो आंख एकदम दिव्य नेत्र हो गए, शरीर भी दिव्य हो गया, और अवस्था भी जवान हो गई। अब ऐसा हो गया कि जैसे अश्विनी कुमारों का सुंदर रूप है, रूप और यौन के माँ, ऐसे चौन ऋषि हो गए। चौन ऋषि खुश हो गए और कहा कि मैं आपका क्या प्रतिभुगार करूं, आप मेरे से कुछ बोल रही है, क्योंकि एक प्रकार से आपने बड़ा भारी हमारा उपकार किया, तो हमारा भी कर्तव्य भी हम बदले में आपका कुछ करें। तो बोले महाराज यदि आप कर सकें तो देवराज इंद्र ने जग के माँ हमारा भाग बंद कर दिया, आप उसको शुरू कर दीजिए, बस यही हमारी माँ ये तो बिजाज दी। उसके बाद के माँ बोला क्या ठीक है। तो राजा सरियाती के पास में चम ऋषि गई, राजन यदि आप यज्ञ करो तो मैं आपका ऋषिक बन करके यज्ञ करा सकता हूँ। उन्होंने कहा कि यज्ञ तो मैं करता ही रहता हूँ, और अब तो मैं करूँ तो भी करूँगा, क्योंकि आप हमारे एक प्रकार से ऋषिक बने, यज्ञ कराने वाले बने, ये तो हमारे सौभाग्य की बात है। आप जैसे महापुरुष हमारे को यज्ञ कराने वाले बन जाए, तो मैं करना हो तो भी मैं करूँ, और मुझको तो करना ही है। तो ऋषि जो है जब कराने लगे, राजा सरियाती ने जब आरंभ कर दिया, उस जगह के बीच के वहाँ सब देवताओं को जब भाग देने लगे, तो उस समय के बीच के वहाँ अश्विनी कुमारों को भी ऐसे भाग देने की तैयारी है, भाग देने लगे। देवताओं को तो मालूम हो जाता है, इंद्र को मालूम हुआ कि सब ऋषि प्रकार से तो भाग देंगे, और तुम्हारी जो मर्यादा है उसको आज से तोड़ दो। तब देवराज इंद्र बदल लेते थे वहां आए, और आगे ने कहा कि तुम ऋषि से कि महाराज मेरी आज्ञा है कि ये एक प्रकार से इन्होंने गुरु का मस्तक उतार दिया था, इस वास्ते ये पापी हैं, तो
इसल से मैंने अश्विनी कुमारों को जग में भाग देना बंद कर दिया है। अरे ये कानून बना दी, ये घोषणा कर दी कि जो आपने इनको भाग देगा उनका मस्तक में मदद से तोड़ डालूंगा। तो इसलिए आपसे प्रार्थना है कि ये हमारी जो कानून है इसको आप भंग दें। क्यों लिखी ने वो बात सुन ली, कुछ बात नहीं बताओ। आपने जिस प्रकार से यज्ञ का आयोजन किया था वैसे करते रहे, वो तो करे उनके लिए, वो बंद कैसे कर। अब यज्ञ की आहुति उनके नाम पर आपने देने लगे, तो जब आहुति दे चुके अश्विनी कुमारों को तब वज्र उठाया मारने के लिए। चमन ऋषि वज्र उठाया और एक प्रकार से उन्होंने संकेत से ही वज्र को ऐसा कह दिया, वज्र वहीं खड़ा रहे, एक इंच हाथ में ऐसा हलता न ऐसा हलता। अब वज्र मारना तो दूर रहा, वो हाथ के एक उपाधि और खरी। सब जगह की मैंने बड़ा अपराध किया कि जो ऋषि के ऊपर वज्र उठा लिया। तब प्रार्थना शुरू की थी, प्रभु मैं आपके प्रभाव को नहीं जानता था, मेरा बड़ा भारी अपराध हुआ, आप क्षमा करो और मेरे अपराध को आप उसे माफ। ऋषि जब दयालु होते हैं तो स्थिति करने लगा, प्रार्थना करने लगा, तो अपने हाथ से उनका हाथ पकड़ के नीचा कर दिया और कहा कि जा, फिर ऐसा साथ कभी नहीं करना, इसके अपराध को क्षमा कर। और उसके बाद फिर अश्विनी कुमारों को जग में भाग मिलने लगा। विचार करना चाहिए एक समय के बीच के मां जब संसार के मां बरत्रासुर पैदा हुए और इंद्र के लिए वो एक प्रकार से काल था, तब वो इंद्र देवताओं को साथ में लेकर के उसी अद्वितीय ऋषि के द्वार के ऊपर आते हैं और आकर के स्तुति प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपका जो शरीर है ये तो परोपकार के वास्ते है, महान पुरुषों की जो विभूति है वो संसार के सेवा के लिए है, तो आज हम आपकी शरण आए हैं। वृत्रासुर जो है सब देवताओं को तंग कर रहा है, हम सबको तंग कर रहा है, तो प्रभु ब्रह्मा जी के पास हम लोग सब गए थे तो उसकी मृत्यु जो है तो आपके शरीर के जो हड्डियां हैं उसका वज्र बन करके और उससे फिर उसकी मृत्यु हो सकती है, तो इसलिए आपकी हड्डियां को हम दान में मांगने के वास्ते सब देवता हैं कि आप कृपा करके आपकी हड्डी है तो हमको दे, आपके शरीर की हड्डी। शरीर की हड्डी तो मरने के बाद ही दी जा सके, जीते कैसे दी जा। मतलब ये कि आप शरीर त्याग कर दें तो आपकी हड्डियों को हम ले जा करके अपना काम बना ले, और आपका जो शरीर है तो परोपकार के लिए है। चार करना चाहिए वो इंद्र है जो गति की ऋषि का मस्तक तोड़ने वाला, एक दिन अपने वज्र से मस्तक काटता है और एक दिन उनकी शरण आकर के अपने प्राणों की भिक्षा मांगे। गति की ऋषि के दिल में किंचित मात्र भी ये भाव नहीं कि ये मुझको मारने वाला मेरा शत्रु है, उनके दिल में शत्रुता का कोई अंश मात्र नहीं। तो मारने आता है तो वही स्वागत है, आज दूसरे प्रकार से मारने के वास्ते आया है तो वही स्वागत है। कि अच्छी बात है, तुम्हारी इच्छा, तुम्हारा काम सिद्ध हो तो ले जाओ। गांवों को बुला करके के अपने शरीर का जो मांस है उनको कटा देते हैं और जेल में जो हड्डियां रह जाती है उनको उठा करके इंद्र ले जाता है। बताया जाता है कि उनकी जो पंखड़ियां थी उनके तो धनुष बनाई गई, किसी की पिनाग और अपने सारंग धनुष पिनाग और गांडीव धनुष, गांडीव ने ब्रह्मा जी धर्म की और पिनाग ने शिव जी और सारंग धनुष ने विष्णु भगवान, ब्रह्मा विष्णु महेश, उन तीन धनुषों के तीनों ने धारी। जो रीढ़ की हड्डी है इसका वज्र बनाया गया, वो इंद्र ने धारण किया, तो ये चारों देवताओं ने उनकी हड्डियों को हथियार बना कर दे रखे। और हथियार भी कैसे बने, आज सुंदर की सारंग धनुष पर आपने वासुदेव चढ़ा करके छोड़ दिया जावे तो त्रिलोकी भस्म होते, और सारंग धनुष के ऊपर नारायण से छोड़ दिया चढ़ा के छोड़ दिया जावे तो तीन लोग भस्म। ये गांडी धनुष
ब्रह्मा जी जो है उन्होंने सोम को दी, सोम ने जो है तुम जो की वरुण को दी, अब वरुण ने जो वो धनुष है तो अग्नि देवता को दी, और अग्नि देवता ने वो धनुष जो है तो अर्जुन को, वही गांधी थी सभी की नीचे की हड्डी से बनी, वो गांधी धनुष ने टूटी ने कुछ हो गया उसका समझो कि कोई प्रतिकार कर ही नहीं सकता। तो कहने का ये अभिप्राय है कि उनके क्षमा की तरफ ख्याल करके देखो कि उनमें कितनी क्षमा, कितनी शांति और कितनी योग्यता और कैसा उनका उद्देश्य कि मेरे द्वारा यदि उपदेश दिया जावे और ये अश्विनी कुमार दूसरों के पास जाकर उपदेश ग्रहण करे तो उसे तो यही भला हो कि पहले ये अपने दूसरे को गुरु बना करके उसे उपदेश दे दे भाई, माने हमारा दिया हुआ उपदेश बीच में ही रह जाएगा, तो एक प्रकार से थी आपने अधूरा रह जाएगा। तो वे ऐसे महापुरुष थे कि उपदेश देते थे कब कि जब उसको पात्र समझते थे, पहले उसको पात्र बनाते थे उसके बाद उपदेश देते थे, तो उपदेश खाली नहीं देता था। उस कोटि के जो महापुरुष होते हैं गृहस्थाश्रम के रिश्ते में वे असली से अपने अपने धर्मपत्नी से जो सहवास करते हैं तो उनका वीर्य जो है अपने समझो कि अमोघ होता है, वो व्यर्थ नहीं जाता। उन पुरुषों का जो संकल्प है वो सत्य होता है, उनकी जो वाणी है वो सत्य होती है, उनकी जो क्रिया है वो सत्य, उनकी वाणी सत्य होती है, उनकी क्रिया सत्य होती है, उनका संकल्प सत्य होता है, उनका वीर्य अमोघ होता है, उनकी सभी चीजें अमोघ। तो ऐसे ऐसे महापुरुष थे कि यदि मैंने उपदेश दे दिया और फिर इन्हें का काम नहीं बना तो उपदेश देना हमारा व्यर्थ ही हुआ। इतनी शक्ति होते हुए भी और जो आपने समझो कि उनकी दृष्टि में शत्रु नहीं किंतु शत्रु का काम करने वाले इंद्र आकर के अपने प्राणों के भिक्षा मांगता है तो वह ना नहीं तुम्हारा काम बड़ा, तो इसका ना क्षमा इतना भारी प्रभाव हम लोगों को एक प्रकार से इससे ये आदेश लेना चाहिए। इसमें इतना उत्पत्ति का वैराग था दधीचि के बीच में, तीनों लोगों का जो राजा देवताओं का राजा इंद्र, इंद्रासन के जो भोल हैं ये उनकी दृष्टि में शुक्र और कुकर के भोग के समान। आज हम लोग समझो कि प्रीतियों के लिए धन के लिए धर्म को त्याग कर देते हैं, लोभ में आकर के धर्म का त्याग कर देते हैं, मोह में आकर के त्याग कर देते हैं। इनको तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि अपने धर्म का कभी त्याग नहीं करना चाहिए, लोभ से भय से किसी से भी अपने धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। उनकी जो वो शक्ति थी वो शक्ति हम लोगों के लिए हो सकती है, इस प्रकार का वैराग, इस प्रकार की उपरती, उस प्रकार का ज्ञान और उस प्रकार की दृढ़ता क्षमा सामर्थ्य एक अलौकिक सामर्थ्य। हम लोगों को ये शिक्षा देनी चाहिए कि संसार के भोगों को तीनों लोगों के भोगों के समूह को जो सब तीनों लोगों का जो राजा देवराज इंद्र जो विशाल भोगों को भोगते हैं इंद्रासन पर स्थित होकर के उनके भोगों को एक शुक्र पुकर के भोगों के समान बनाया। इतना उत्कोटि का वैराग था। एक भाई ने आज मुझसे पूछा था कि परमात्मा की जो प्राप्ति जिसको मुक्ति कहते हैं, परम पद की प्राप्ति कहते हैं, तो उस आनंद की बड़ी महिमा गाई जाती है में, स्मृतियों में, गीता में, यम लब्ध्वाचा परम लाभ मन्नते नाधिकं तथा यस्मिन स्थितो न दुखे न गुरु नापि विचालते। जिस आनंद को पाकर के उससे बढ़कर और दूसरा आनंद नहीं समझता है और जिस आनंद के मास्तित होने पर भारी से भारी भी दुख आकर प्राप्त हुए तो वो उससे विचलित नहीं होता है। ऐसा जो आनंद है उसके पूर्व के श्लोक में बताया, ये गीता की 36 अध्याय का 22वां श्लोक है। 21वें श्लोक में भगवान कहते हैं अर्जुन को
सुखमा तंकि कम यतद और बुद्धि ग्राजम चिंद्रियम ये यत्न चैवायम चितस्थल की सत्ता कहो। जो अतंत सुख है जिसका कोई अंत नहीं है और सूक्ष्मी शुद्ध हुई बुद्धि से ही वो जाना जा सकता है, इंद्रियों से नहीं अतिंद्रिय इंद्रियों से वो करेगा आनंद है। जिस कार्यक्रम साधक उस आनंद का अनुभव करता है रेती यत्र जिस समय के मैं उसके उस आनंद का अनुभव करता है फिर उस आनंद से वो कभी विचलित नहीं होता है, उस आनंद के मां नित्य से सिद्ध होता है, ऐसा वह आनंद है। उस आनंद के जिसे मैं प्रचंड कहता था बांकड़े की बात है और पूछने वाले थे महादेव जी लोहिया, ये गीता का अच्छा अभ्यास किया करते थे तो ये श्लोक आ गया तो उन्होंने पूछा कि ही क्या ये श्लोक था कि उसके मां दूसरा कोई बड़े परमात्मा की प्राप्ति होने के बाद उसको जो आनंद मिलता है उस आनंद के साथ के मां जो हम संसार के पीछे भोगों को भोगते हैं ये जो हमारे इंद्रियों का जो भोग है शब्द शब्द रूप रस गंध इसका उसका कितना डिफरेंस है। वास्तव में तो उस आनंद को जो प्राप्त करें वही जाने, हम लोग उसका क्या कह सकते हैं, ये महापुरुष कह सकते हैं। उन महापुरुषों की दृष्टि से की शास्त्र की दृष्टि से की बतलाया जाता है कि देवराज इंद्र को पूछा जाए कि तुम जो इसे जीव भोगों को जो भोग रहे हो उसका और शुक्र कुकर आदि जो है इनका जो सुख है उनका कितना फर्क है, तो वे कहिए कि जो शुक्र कुकर जो है उसमें कोई आनंद है, इससे तो एक प्रकार से घृणा हमको आती है, हमको मनुष्यों के मां दुर्गंध आती है और फिर मैले खाने वाले जो सूर आदि है उनमें तो घृणा आती है, उसमें तो दुख होता है, वहां सुख कहाँ है, तो दुख का सुख का मुकाबला कैसे हो सके। लौकिक सुख के बीच के मां भी जो स्वर्ग का जो सुख है वो सबसे बढ़कर के है, फिर इंद्र का सुख सबसे बढ़कर के है, तो इंद्र के सुख के मुकाबले के बीच के मां जहाँ दर्शन करने से दुर्गंध हम लोगों को भी आती है जो मैले खाने वाली जो योनि है उसको दे करके मैले में दुर्गंध आती है, मैले खाने वाले पशुओं में दुर्गंध आती है, कोई हमारे लोगों को भी पूछे तुम उसमें कोई सुख थोड़ा बदला में, तो उसमें तो दुख ही दुख है, सुख कहाँ, इसका तो मुकाबला हो ही नहीं सकता। इसी प्रकार से कि वो परमात्मा के विषय का जो सुख है वो तो इसे दुख दुख दोनों से रहित है, उसको तो समझाने के लिए अत्यंत आनंद अक्षय आनंद पूर्ण आनंद ये समझाने के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है, किंतु वो तो सुख दुख दोनों से अपने परे की चीज है, उसके साथ में संसार के सुख का मुकाबला क्या हो सके। संसार को हुआ किंतु कि सुख सबसे ठीक कहना ही एक प्रकार से लज्जा की बात है, जिनको आप सुख समझते हो उनका नाम तो दुख है, आपकी दृष्टि के में वो सुख है किंतु विवेकियों की दृष्टि के बीच में तो वो सुख ही नहीं है, उसकी संज्ञा ही दुख है। और दुख का एक प्रकार से समझो कि उस अक्षय सुख का मुकाबला ही कैसे किया जा सके, जो बताया जा रहा कि ये इसका इतना डिफरेंस है। ख्याल करना चाहिए ये जो संसारिक जो विषय पुरुष है उनको उसमें सुख प्रतीत होता है किंतु वास्तव में ऐसा सुख नहीं है। तो विवेकी जो पुरुष है ज्ञानी नहीं महात्मा नहीं, महात्मा जो पुरुष है उनकी दृष्टि में तो सृष्टि ही नहीं, किंतु जिनकी दृष्टि में सृष्टि है और व्यर्थ है वितराग पुरुष है उनकी बात आपको बताई जाती है कि उनकी कितनी इज्जत है वृत्त पुरुषों की। गीता के मां और दसवें शास्त्र में शब्द का ख्याल करके देखे महर्षि पतंजलि पातंजलि योग दर्शन के और पातंजलि योग दर्शन के वहां कहते हैं परिणाम संस्कार परिणाम परिणाम काव संस्कार दुख गुण विरोधास्य दुखमय सर्व विवेकी नो परिणाम ताप संस्कार दुख गुण वृत्ति विरोधा से दुखमय सर्व विवेकी नाम।
सूत्र इसका भाव यह है कि विवेकी की दृष्टि में एक प्रकार से सब दुख ही है, दुख तो दुख है ही, जिनको हम लोग सुख समझते हैं वो सुख भी उनकी दृष्टि में दुख ही है। कैसे कि परिणाम और ताप और संस्कार, परिणाम दुख, संताप दुख और संस्कार दुख, इनके समुद्र से तीस सब सुख भी दुख ही है। हम समझे नहीं परिणाम कि जैसे एक पुरुष जो है भोजन करता है उसको सुख प्रतीत करता है, जीवा के स्वाद के वशीभूत होकर करके उसमें सुख की कल्पना, सुख समझ करके कल्पना तो विवेकी की दृष्टि में उनको सुख समझ करके और उसका स्वाद लेता है और उसका नतीजा होता है इस प्रकार से कि वो कुबत कर लेता है, उसे उसके बीमारी हो जाती है और फिर सिसक सिसक करके मरता है। किसी के समझो कि गृहिणी की बीमारी है और वैद्य ने कहा कि भी तुम हलवा या कोई झूठी चीज नहीं खाना, स्त्री के साथ में सहवास नहीं करना, ये तुम्हारे लिए विष के समान है, किंतु समझो कि मिठाई है, हलवा है, गृहिणी के रोग के लिए ये विष है, पर वो जीवा के स्वाद के बसीभूत होकर के खा लेता है और फिर खुल जाता है, समझो कि